मैंने कहा है यह घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर पूरी तरह से कड़ाई से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी मैंने कहा है। केंद्र सरकार के जिस भी सहयोग की जरूरत होगी इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए पूरा सहयोग हम मुहैया कराएंगे, मैं यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और राज्य सरकारों को भी मैं कहना चाहता हूं मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कठोर से कठोर यदि अलग से कानून बनाने की जरूरत है तो कानून बनाया जाए और मॉब लिंचिंग को रोका जाना चाहिए। लेकिन मॉब लिंचिंग पर बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है, 1984 में हुई है। और अध्यक्ष महोदय ये कहा जाए इस देश के नेता के द्वारा यह कहा जाए कि यदि वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। आज वो लोग मॉब लिंचिंग को लेकर हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए। आज भी सिख समुदाय के परिवारों की क्या हालत है वह मैं देखता हूं मुझसे जब लोग यहां पर मिलते हैं। और मैं यह भी उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम उन्हें पूरी तरह से जस्टिस दिला के ही दम रहेंगे। SIT बनाई है, SIT अपना काम कर रही है और सिख समुदाय को हम जस्टिस इंसाफ दिलाकर रहेंगे, यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।